Hi guys, what's up? Welcome back to my channel. So, आज की reaction video होने वाली है जोखे और मैं तला अंजुम produced by उमेर खान. So, ये track की suggestion भी मुझे बहुत बारी आए हैं तो अभी देखते हैं ये track कैसा होने वाला है और मुझे कैसा लगने वाला है. और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना. और अगर आप चाहते हो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना तो साइड में ये दिख रही होगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, तो जाके फॉलो करो. अभी इस वीडियो को हम शुरू करते हैं. Let's start. जोखे और मैं काफी अच्छे दोस्त थे. जोखे और मैं टाइट, हम क्लोज थे. और एक दिन मैं और जोखे बैठे सोच रहे कि ये सब रैपर्स आखिर क्या खोज रहे. क्या वो पैसा है या फिर है फेम, क्योंकि मेरी नजर से देखो तो ये रैपर्स तो दोनों ही में लगते फेल. जाओ नहीं करता तेरी ये बुलशिट शेयर, टॉकिंग अबाउट डेड एंड्स तेरा करियर. पैसा, नशा, प्यार, लाइज, वीड, लिकर, रेड आईज. आई एंड अ रोल मॉडल, आई एंड अ आए ना देखे ना मैं क्या से क्या बना, क्यों नहीं करते मेरा सामना. मैं तला अंजुम 5-10 हाइट, कराची शहर रंग सांवला. जोते बातें ये सारे पर काम के टाइम पे करे कोई काम ना. जोखे की हटती है इनसे, जोखे कुछ बोलता नहीं है. जोखे नहीं मांगता फटे, the way I see it, उसकी बात भी सही है. वो कहता है मुझे के जो तुझे डिस कर रहे वो तो चाहते अटेंशन. दुनिया तो जानती तुझे और तेरे कंधे पे वो रखते कलाशन. जोखे को पता है कि सनक तो सनक है, अना का मोल नहीं. All this chit chat करने के चुके हो motherfucker, तू समझदार है तो मुंह खोल नहीं. जब तक कहूँ ना तुझे के बोल बच्चे, तब तक चुप रहना ठीक है बोल नहीं. जो गए थे मुड़ के वो वापस नहीं आए, मैं मानता हूँ ये दुनिया गोल नहीं. पर जोखे और मैं हिप हॉप शोले, वो वीरू में जय. जोखे और मैं came a long way, we go way way back. जोखे और मैं keep it 9 more than 91, yeah. जोखे और मैं करें तुम सब रैपर्स की दुकानें बंद, yeah. जोखे और मैं हिप हॉप शोले, वो वीरू में जय. जोखे और मैं came a long way, we go way way back. जोखे और मैं keep it 9 more than 91, yeah. जोखे और मैं करें तुम सब रैपर्स की दुकानें बंद, yeah. Yeah. Fuck unicorn black, fuck Tazi, fuck your contract. Ye kamate mere bharose, paisa sab inka aur mujhe dilase. Jhaase mein aate hain artist, likhte aur gaate hain artist. Ye industry ek bhooka sher hai aur ye kachcha khati hai artist. Oh ho, wo chutiya agar tujhe lagta hai ki labels banate hain artist. Main aur Jokhe milke sabit karenge ki teri philosophy naqis. You don't know what the fuck is this, tera chutiya pe ka music. Clearly that shit is none of my business. Now you can respect that or you can just diss this. धोखे और मैं मिलते ही रहते हैं जैसे वे डेटिंग. जोखे और मैं we keep it real and you keep on hating. इतना ही फर्क है तेरे में मेरे में जितना के वैरी और वीरे में. इतना ही फर्क है तेरे में मेरे में जितना के कीड़े और हीरे में. No we have nothing in common, चुप करके बैठ जू तू. You know we're on it, you know we run it. Views just blow up atomic, organic, elmatic. We addict like men are at work. Cause man's not hot, man's just hurt. Throw dirt on my name, तुझे गाड़ के I'll write your name on the dirt. I came and murdered your beats, तब जाके हुआ rebirth. Don't hate on the homies you eat with, किसे डरते हो, why do you sneak this? तो तू कान खोल बेटा बात सुन, इससे पहले you run out of options. You can text me, we can talk this, cause I know you ain't about that action. So जोखे और मैं hip hop शोले, वो वीरू में जय. जोखे और मैं came a long way, we go way way back. जोखे और मैं keep it 9 more than 91, yeah. Joke aur main kare tum sab rappers ki dukane band, yeah. Joke aur main hip hop shole, wo veeru mein jay. Joke aur main came a long way, we go way way back. Joke aur main keep it 9 more than 91, yeah. Joke aur main kare tum sab rappers ki dukane band, yeah. जोखे और मैं, यानी तला अंजुम और जोखे एक बहुत अच्छे दोस्त थे और दोनों एक दिन बैठ के सोच रहे कि ये रैपर्स आखिर क्या खोज रहे, फेम या पैसा. तला अंजुम की नज़र में तो ये दोनों चीज़ों में फेल हैं. सो टू गुड
लिरिक्स बहुत अच्छी, तला अंजुम की वॉइस बहुत अच्छी, लिरिक्स और म्यूजिक सब कुछ ऑन टॉप। जो कि और मैं हिप हॉप है शोले वो वीरू में जय। वाओ वाओ यार तला अंजुम। और तला अंजुम ने ये भी लिखा था कि जो कि बोलता है कि ये जो डिस करते हैं ये तुझसे अटेंशन पाना चाहते हैं, पर सनक तो सनक है, कैसे कंट्रोल करेगा कोई। ये चिट चैट जो होती है और लोग बातें जो बनाते हैं और रिप्लाई नहीं देते तो बोलते हैं कि ये तो इसके बस की नहीं है, ये डर गया या समथिंग लाइक दैट, ऐसी चीज़ें बोलते हैं। तो सनक है ना भाई, नहीं हो पाता कंट्रोल। पर ये बात भी है कि आप जितनों को रिप्लाई करोगे उतने बंदे आपको और कोशिश करेंगे कि फेम मिल जाए उस आपसे। और तला अंजुम के कुछ कुछ लिरिक्स काफ़ी हद तक आर्टिस्ट लोगों को बहुत ज़्यादा रिलेट करेगी। इन्होंने बोला कि झांसे में आते हैं आर्टिस्ट और ये इंडस्ट्री भूखा शेर है ये खाती है आर्टिस्ट। मतलब कि लेबल्स बंदों को आर्टिस्ट को वो करती है, साइन कर लेती है और फिर एक वो टैग लग जाता है कि ये तो लेबल की वजह से, लेबल की वजह से चले हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं ये बात भी है कि लेबल की वजह से बहुत सारे लोग आर्टिस्ट को सुनने लगते हैं, लेकिन एक वो वाली बात आ जाती है कि लेबल की वजह से ये लोग चले हैं, है ना, और इनका गाना तो कुछ नहीं है। तला अंजुम यही कह रहे हैं कि जो भी तुम बनोगे वो अपने दम पे बनोगे। तो यही बोला है कि अगर तुम भी इस चीज़ को तुम्हें भी ऐसा लगेगा कि लेबल्स ही आर्टिस्ट को बनाती है तो ये नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है। अगर आपका काम अच्छा है और आप आपका गाने आपका जो काम है वो बहुत बेहतर है तो लेबल्स खुद आएगी और वो जितना आप मांगोगे उतना देगी भी। तो ये बहुत बढ़िया लाइन तला अंजुम ने बोली है। और जो के वन ऑफ द बेस्ट बीट प्रोड्यूसर जो कि इतने ज़्यादा अच्छे म्यूज़िक और जो रोल होता है ना एक ट्रैक को पूरा करने का वो रोल जो कि निभाते हैं। और मैंने तो कहीं कहीं जो कि के इतने सारे गाने भी सुने हैं, जो कि गाते भी बहुत अच्छा हैं या मल्टी टैलेंटेड। जैसे मैंने बोला ना कुछ टाइम पहले तला अंजुम यंग स्टनर्स सोचते होंगे, जो कि मिलके सोचते होंगे कि हम लोग इस इंडस्ट्री पे आ गए और हम लोग मिलकर अगर कोई काम करेंगे तो तबाही मच जाएगी। और आज देखो ये चीज़ पूरी हुई है और इन्होंने मिलकर बहुत ज़्यादा इस इंडस्ट्री में इतने फैंस इन्होंने बना लिए हैं। तो कितना खुशी इनको मिलती होगी कि यार हम लोगों ने साथ मिलके काम किया है और आज इस वजह से हम लोग इधर पहुंच भी गए हैं और बहुत लोग पसंद भी करते हैं इनके गानों को। और जोखे यार जोखे नहीं होते तो कहाँ से गाना परफेक्ट बनता, राइट। सो हर कोई अपने जगह पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभा रहा है और चाहे तला अंजुम हो, चाहे तला यूनिस हो, चाहे जोखे हो, बहुत अच्छा काम ये सब कर रहे हैं। इन्होंने आतंक मचा रखा है यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे और इस इंडस्ट्री पे। सो मुझे ये ट्रैक बहुत पसंद आया, बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आया। ये ट्रैक इतना स्मूथ सा चल रहा था ना कि ऐसे ट्रैक सुनने के बाद ना एक अच्छी फीलिंग भी आती है, चाहे आप कैसे भी टॉपिक पे बात कर रहे हो। और यंगस्टर तो हर एक अलग डिफरेंट लाइंस में एक डिफरेंट टॉपिक उठा लेते हैं। तो मुझे ये ट्रैक बहुत पसंद आया, जोखी और तला अंजुम, मज़ा आ गया ये ट्रैक सुनकर। और यही था मेरा रिएक्शन, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। तो या अब इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। सो मैं मिलती हूँ अब आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।